बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। वेलकम अगेन स्टूडेंट्स टू द केपीएस ऑनलाइन लेक्चर्स। स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू हैव आवर लेक्चर नंबर 12 एंड इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस द काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। एज वी हैव डिस्कस द काइंड्स ऑफ नाउन इन आवर प्रीवियस लेक्चर, सो टुडे वी आर गोइंग टू हैव काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। एज यू नो द वर्ड्स वी यूज इंस्टेड ऑफ noun are called pronoun, so let's see its kinds. First of all, we have indefinite pronoun. As is clear from the name, indefinite means unclear, ghair wazeh. So the word, the pronoun about which we are not sure, जिसके बारे में हमें exact पता नहीं होता, that is called indefinite pronoun. For example, someone knocked at the door. Someone we don't know who is being talked about. Nobody, somebody, no one, someone, etc. Yani the nouns, pronouns about which we are not sure are called indefinite pronoun. Then we have reflexive pronoun, the pronoun which shows the doer of an action. Yani wo pronoun jo ke करने वाले को शो करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ही सा हिमसेल्फ इन द मिरर, दे डिड इट देमसेल्फ्स, आई डिड इट माई सेल्फ, सो योर सेल्फ, माई सेल्फ, हिमसेल्फ, हर सेल्फ, एट्सेट्रा। दीज आर द रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बिकॉज दे शो द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। यानी ये सब्जेक्ट को ही शो कर रहे होते हैं, सब्जेक्ट को ही रिफ्लेक्ट कर रहे होते हैं। देन वी हैव पर्सनल प्रोनाउन, द मोस्ट यूज प्रोनाउंस, द नेम ऑफ द प्रोनाउन दैट आर द डूअर ऑफ एन एक्शन। यानी जो कि डूअर होते हैं, करने वाले होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, ही इज़ राइटिंग अ लेटर, शी इज़ गोइंग टू स्कूल, इट इज़ रनिंग वेरी फास्ट। मीन्स हम इसे किसी जो जानवर वगैरह है उसके साथ यूज़ कर सकते हैं। I write an essay, we did it ourselves, etc. यानी ये सारे जो हैं ये doer हैं, subjective cases होते हैं। और students, इनके मज़ीद personal pronoun के subjective case हैं, objective case हैं और possessive case भी होते हैं। यानी यहाँ पे हमने discuss किया है subjective cases को, लेकिन ये they have their objective and possessive cases as well. Then we have possessive pronouns, the pronouns that show possession. यानी ऐसे pronoun जो मलकियत को ज़ाहर करते हैं। For example, this pen is mine, this pen is yours, this pen is hers, this pen is theirs. Students, यहाँ पे एक बात बहुत ज़रूरी है कि अगर हम कहेंगे this is my pen, तो ये माई जो है ये प्रोनाउन नहीं होगा, ये एडजेक्टिव है, क्योंकि ये नाउन के साथ यूज़ हो रहा है, उसको मॉडिफाई कर रहा है। लिहाजा वो जो है उसको हम पोजेसिव जो है एडजेक्टिव कह सकती हैं, उसको हम पोजेसिव प्रोनाउन नहीं कह सकते। सो द पोजेसिव प्रोनाउन्स आर दैट आर यूज्ड इन द एंड, एज mine, yours, hers, theirs, etc. Then we have interrogative pronoun. Students, the pronouns which are used to ask questions. Yani who is knocking at the door, whose pen is this, and which, that is not the pronoun. That is not the pronoun means the pronouns are who, we can say who, whose and which, that is not the interrogative pronoun. We can say the pronoun in this example is who, whose and which, that is here by mistake. yani inmein se sirf who ko hum pronoun keh sakte hain, whose ko keh sakte hain aur which ko, that would not be a pronoun, it is not an interrogative pronoun. Then we have relative pronoun. Students, as you know, relate means किसी चीज़ से मुतलका होना, यानी associate होना।
सो द प्रोनाउन दैट रिलेट्स टू सिचुएशंस, जो दो सिचुएशंस को आपस में जोड़ता है इसको हम रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। फॉर एग्जांपल दिस इज़ द मैन हु मेट मी येस्टरडे, अब दिस इज़ द मैन जो मुझे कल मिला, अब इन दोनों को कौन मिला रहा है, हु। दिस इज़ द रोड विच लीड्स टू लाहौर, दिस इज़ द रोड दैट लीड्स टू लाहौर, दिस इज़ द पेन विच आई बॉट येस्टरडे। यानी ऐसे प्रोनाउन जो दो सिचुएशंस को आपस में रिलेट करते हैं दे आर कॉल्ड रिलेटिव प्रोनाउन। एंड द डिफरेंस बिटवीन इंट्रोक्टिव एंड रिलेटिव प्रोनाउन इज़ दैट इंट्रोक्टिव प्रोनाउन्स आर यूज टू आस्क क्वेश्चन बट रिलेटिव प्रोनाउन्स आर यूज टू रिलेट टू सिचुएशंस। यानी जो इंट्रोक्टिव प्रोनाउन हैं वो दो जो सिचुएशंस हैं इंट्रोक्टिव जो हैं वो क्वेश्चन पूछने के लिए यूज़ होते हैं, और जो रिलेटिव हैं वो दो सिचुएशंस को आपस में मिलाते हैं। दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन देम। यानी दोनों कुछ कुछ प्रोनाउन ऐसे हैं जो इंट्रोक्टिव भी हैं और रिलेटिव भी हैं, लेकिन उनमें डिफरेंस ये है कि इंट्रोक्टिव प्रोनाउन जो हैं उनको हम कुछ पूछने के लिए यूज़ करते हैं, और जो रिलेटिव प्रोनाउन हैं उनको हम किसी सिचुएशन को मिलाने के लिए यूज़ करते हैं। सो स्टूडेंट्स, वी हैव डिस्कस्ड टुडे इनडेफिनेट प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन, पोजेसिव प्रोनाउन, इंट्रोक्टिव प्रोनाउन एंड रिलेटिव प्रोनाउन। नाउ यू वुड मेक थ्री सेंटेंसेस ऑफ ईच काइंड यूजिंग द प्रोनाउंस इन दैट काइंड। सो स्टूडेंट्स, we have discussed pronoun somehow in detail today. There are so many other kinds of pronoun, but they are the most important. So students, this was our lecture for today. Thank you so much.